धोनी पोलो को हम लोग अगेंस्ट नहीं है, और धोनी पोलो तो अच्छा नाम है, वो तो हम लोग उसको वेलकम करता है, बट हमारा जो एक ही डिमांड है, सिंगल डिमांड, वो है धोनी पोलो एयरपोर्ट होलोंगी, होलोंगी को जैसे भी डालना वही डिमांड है हमारा। धोनी पोलो आप ए बी सी डी भी जब तक लिखो ना, कोई भी ए बी सी डी कोई भी डाल दो एयरपोर्ट का नाम, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट होलोंगी। माइसेल्फ युवा एंटोनी, वाइस चेयरमैन प्रोटोकॉल। और रही बात आज का जो बंद कॉल का रिपोर्ट, जो ठीक ही है, यहाँ का जितना पब्लिक का सपोर्ट किया, जो हमारा होलोंगी का मेक्सिकेब है, होलोंगी मार्केट वेपर कमिटी है, और यहाँ का पब्लिक 100% हम लोग को सपोर्ट किया। आज का बंद कॉल तो सक्सेस रहा जितना तक अभी तक देख रहा हूँ। और एंटोनी जी, हमें एक भी ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं दिया प्रोटेस्ट करते हुए, बंद कॉल में तो आदमी तो बाहर निकालता है, लेकिन आज हमें एक भी ऐसे दिखाई देखने को नहीं मिला। क्यों, कोई मुझे ऐसे तो नहीं है कि कोई आप लोग को सपोर्ट नहीं करता हो? एक्चुअली ऐसे है, कल शाम को हम लोग को उधर से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस यूपीआई से एक कागज मिला है, तो वहाँ में हम लोग को पीसफुल धरना लिखा है वो, लेकिन हम लोग का जो एक्चुअली बंद कॉल था आज का ना, और आपको जैसे कि पता है बंद कॉल कहीं भी कोई भी सरकार का जो ये नॉर्म्स का हिसाब से वो अलाउ नहीं करता है कि बंद कॉल करना है, वो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में आता है, तो एनी कोई भी डीसी उसको आपको सपोर्ट ये नहीं कर सकता है, वो परमिशन नहीं दे सकता है। तो डीसी का कल शाम को एक हम लोग को नोटिस एक दिया है, पीसफुल धरना ऐसे कुछ दिया है, तो उसको देख के हम लोग जो आज जो पीसफुल बंद कॉल किया था उसका थ्रू दी हम लोग किया है। और आप लोग देखा होगा या थोड़ा गाड़ी एक दो फ्लो हो रहा है ना, तो ये जो एक्चुअली डीसी कल हम लोग को परमिशन दिया है कि आप लोग करो पीसफुल धरना करो, लेकिन NH-415 में जो ट्रैफिक है, जो फ्लो होता है, उसको हिंड्रेंस नहीं होना है बोल के ऐसे हम लोग को दिया था। तो जो जो जानते हैं हम लोग का यहाँ का बस्ती का जितना हम लोग का एरिया का, तो आदमी कोई भी गाड़ी नहीं निकला है, जो बाहर से कोई नहीं जानने वाला आया है तो उसको पुलिस लोग एस्कॉर्ट करके यहाँ से उन लोग पास कराया है ऐसे। आप लोग का एग्जैक्ट डिमांड जो क्या है आप थोड़ा जनता को बताएंगे? हमारा डिमांड तो मैंने अभी तक करीबन 3-4 हम प्रेस ब्रीफिंग कर चुका है, तो वहाँ तो हमारा डिमांड क्लियर है, धोनी पोलो एयरपोर्ट होलोंगी ब्रैकेट ईटानगर आप अभी डाल सकता है, वो हमारा डिमांड था, क्योंकि ईटानगर मतलब ये गवर्नमेंट तो नहीं मान रहा है, तो ईटानगर ही डालना है बोल रहा है। तो हमारा अभी एक्चुअली अभी जो हमारा एग्जीक्यूटिव बॉडी से हम लोग बात किया, तो यहाँ का पब्लिक का जितना भी सिटीजन है ये लोग को बात करके हम लोग एक मुद्दा भी अभी आया, मतलब अभी धोनी पोलो एयरपोर्ट होलोंगी ईटानगर आप डाल सकता है, अभी ऐसा है डिमांड हमारा। हम लोग होलोंगी का नाम एट एनी कॉस्ट हम लोग का डालना ही है, इधर प्रीफिक्स या सफिक्स कहीं भी डालना है, बस हमारा वही डिमांड है। देखिए ईटानगर जो है हमारा अरुणाचल का राजधानी है, बहुत लोग का कहना है कि ईटानगर रहने में क्या प्रॉब्लम है ये? हाँ, ये जो कहने वाले लोग से मैं एक सवाल आपको पूछना चाहूँगा, अभी मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में कमेंट में तो आदमी वही लिखता है कि ईटानगर में कौन सा अलग है, ईटानगर डालने से क्या प्रॉब्लम है, होलोंगी डालो ईटानगर डालो सेम टू है बोलते हैं। अच्छा, तो उसको मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, जो नाहरलगुन का रेलवे स्टेशन है, आप नाहरलगुन क्यों पर्टिकुलर मेंशन किया है पर्टिकुलर, और जो आपका ये क्या बोलते हैं नेरिस्ट है उसमें निर्जुल क्यों डाला है, उसमें भी ईटानगर डाल सकता था, जैसे कि आपको राजीव गांधी यूनिवर्सिटी रोनो हिल नहीं डाल के आप ये डालो ईटानगर डाल सकता था, NIT जोते है जोते क्यों डाला, ईटानगर डाल सकता था, जबकि ये लोग सब सेंट्रल स्कीम है। और ये जो हमारा जो अभी जो प्रोजेक्ट जो एयरपोर्ट का जो अभी इनोग्रेशन होने जा रहे हो ये भी एक ये है सेंट्रल स्कीम है, ये है चीज़ जो ये जो जो अभी ऐसा सवाल उठा रहा है, तो उसको मैं यही अभी जवाब देना चाहूँगा जो अभी मैं बोला हूँ वही। एंटोनी जी, यहाँ पे ऐसा इंडिजिनस, आप लोग एक इंडिजिनस का एक ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं, तो इंडिजिनस को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे धोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर रखा है, आप उससे सहमत नहीं है? हाँ, धोनी पोलो से हम लोग कोई अगेंस्ट नहीं है, अभी नहीं, मैं पहले से बोल रहा हूँ, धोनी पोलो को हम लोग अगेंस्ट नहीं है, और धोनी पोलो तो अच्छा नाम है, वो तो हम लोग उसको वेलकम करता है, बट हमारा जो एक ही डिमांड है, सिंगल डिमांड, वो है धोनी पोलो एयरपोर्ट होलोंगी, होलोंगी को जैसे भी डालना वही डिमांड है हमारा। धोनी पोलो आप ए बी सी डी भी जब तक लिखो ना, कोई भी ए बी सी डी कोई भी डाल दो एयरपोर्ट का नाम, उससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट होलोंगी का नाम को क्यों गायब करा रहा है, ये हमारा एक सेंटिमेंट है। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? आज आप लोग का सक्सेसफुल गया, कोई कुछ घटना नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा?
नेक्स्ट स्टेप अभी हम लोग का जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसको बात करूँगा, उसके बाद हमारे जो यहाँ का सीनियर सिटीजन है और यहाँ का जो जितना जितना विलेजर्स लोग हम बात करके उसके बाद देखते हैं अभी फर्दर हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट क्या करेगा, देखते हैं आगे। आपको क्या लगता है आपको आप लोग का जो मांग है ये पूरा होंगे? अभी कल हमारा जो पपम पर डीसी यूपिया उसने कल फॉरवर्ड किया मैसेज हमारा जो स्टेट सरकार को कि हम लोग का ऐसा ऐसा डिमांड है, तो उसने फॉरवर्ड कर दिया ऊपर लेवल में, उसको मैं थैंक यू बोलता हूँ उस हमारा जो डीसी है। और रही बात और एक चीज़, कल मैंने देखा था हमारा पपम पारे डीसी एक प्रेस ब्रीफिंग में कह रहे थे कि ये जो होलोंगी का जो अभी जो इशू चल रहा है प्रोजेक्ट एयरपोर्ट का, ये जो एयरपोर्ट जो स्टेट का कैपिटल को कनेक्टिविटी करने का एक प्रोजेक्ट था बोला है, ऐसे उसने कहा है कल का, मैं प्रेस ब्रीफिंग में देखा हूँ उसको। अच्छा ऐसे है तो आप 2012 में बोल देना चाहिए था, सरकार ऐसे ऐसे कह रहा है अभी सुना है मैं। सरकार अगर कहता है कि ये स्टेट का जो स्टेट का कैपिटल को कनेक्ट करने वाला प्रोजेक्ट था, लाइक ईटानगर हो गया, असम, कोई भी एनी स्टेट इंडिया का, अगर ऐसे ही था तो आप 2012 में जब असेसमेंट करते समय बोल देना चाहिए था कि ये ईटानगर बाद में नाम होगा, ये ईटानगर जैसे भी नाम डालेगा उसमें, ऐसे बोल देने से तो आज हम लोग अलग ही चीज़ होना था। तो ऐसे करके हम लोग को गुमराह बनाया गया है। उस समय होलोंगी एयरपोर्ट था, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, होलोंगी एयरपोर्ट, चलो होलोंगी एयरपोर्ट को चेंज करके धोनी पुलो रखा है, वो भी कोई ख़राब नाम नहीं है, धोनी पुलो को हम वेलकम करते हैं, बस होलोंगी को क्यों गायब कर रहे हैं, ये हमारा सवाल है सरकार से। आप लोग ये इशू को, आप लोग का मांग को लेके आप लोग कैबिनेट में बैठने से पहले आप लोग ये इशू को क्यों नहीं किया, सीएम का टेबल पर प्लेस क्यों नहीं किया? हम लोग मेमोरेंडम कंटिन्यू दिया है, बिफोर जो सेशन कोई आपका असेंबली सेशन नहीं चलने से पहले भी हम लोग कागज़ दे चुका है कि इसको आप टेबल कीजिए, हमारा जो यहाँ का जो लोकल जो एमएलए है उसका थ्रू दिए, तो उस समय हम दिया है कागज़ तो दिया, हमारे पास रिटर्न अभी भी पूरा सब कुछ है, वो तो टेबल किया ही नहीं। और उस समय सेशन चलते समय भी हमारा जो लोकल एमएलए उसने भी तो असेंबली में अटेंड किया ही नहीं, जिस समय हम लोग दिया था कागज़ तो दे सकता था वो, हमारा लोकल एमएलए का भी कुछ कमजोरियाँ है इसमें, वो तो सीधा बात है। आप कभी चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू से कभी इस विषय को लेके मांग मिलने को कोशिश किया? अपॉइंटमेंट तो हम लोग अपॉइंटमेंट तो शायद अभी तक हमें नहीं मिला, हम लोग ट्राई नहीं किया शायद, तो उसके कागज़ तो दिया है सी एम ऑफिस से, कागज़ तो हम लोग दिया है, रिसीव कॉपी हम लोग का पास है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में कागज़ तो पहुँचा है। ऐसे आपको नहीं लगता है कि बंद कॉल करने से पहले आप लोग चीफ मिनिस्टर को एक बार मिल लेना चाहिए? अभी देखिए आप लोग को अभी पता है उसका बड़ा भैया हमारा जो ऑनरेबल एमएलए जो लेट हो गए जाम्बे तासी जी, अभी इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसके लिए हम लोग बहुत दुखी हैं। और एक्चुअली बन कॉल भी हम, अगर जैसे कि आपको पता है बन कॉल को हम लोग 29 को हम लोग डिक्लेयर कर दिया था, 29 आइदर 30 था, तो उस समय हम लोग डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद ही उसका जो बड़ा भैया का देहांत हो गया। अगर ऐसा अगर पहले होता तो हम लोग इसको ये करना था, और आज ही का समय आज ही का दिन में उसका लास्ट राइट है आज, तो बहुत दुख की बात है। तो देखते हैं अभी फर्दर सीएम उधर से आने का बाद जो उन लोग का फैमिली का जो वो करने का बाद आने से हम लोग मिलने का ट्राई करेगा जी। हमें आखिरी सवाल, हमें ये खबर मिला है कि आप लोग का ये जो बंद कॉल के कारण हमें कुछ लोग जो है एक दो लोग डिटेन हुए हैं, हमें ये सुनने को आया, तो अभी वो ताना पे है, अब उसके लिए क्या करेंगे आप? अभी मैं सुना हूँ एक लड़का हमारा यहाँ सुबह डिटेन किया गया है बोला है, तो अभी देखते हैं हम लोग जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है हम लोग मिलके उसको देखते हैं क्या करेंगे आगे फर्दर, उसको तो निकालना पड़ेगा, अपना लड़का है वही। तो ये था हमारा वीसी जो वाइस चेयरमैन होलोंगी इंडिजिनस पीपल्स फोरम का मिस्टर योवा एंटोनी। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एटी टीवी को आप लोग लाइक और शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।